दोस्तों, अगर आप एक नया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए टॉप 5 बजट स्मार्टफोन्स लेकर आया हूं। मेरा नाम निशान चौधरी, आप देख रहे हैं निशान भारत। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, हमारे बजट स्मार्टफोन की लिस्ट में सबसे पहला स्मार्टफोन निकल आता है Xiaomi का Redmi Note 4। इसी स्मार्टफोन की अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये आपको 3 वेरियंट में मिलेगा, 2GB, 3GB और 4GB। और अगर इंटरनल हार्ड डिस्क की बात करें तो वो आपको 2 वेरिएंट में मिलेंगे, 32GB जो होंगे 2GB और 3GB रैम के साथ, और 64GB स्टोरेज जो होगा 4GB रैम के साथ। और अगर हम इसमें स्क्रीन साइज की बात करें तो आपको Xiaomi Redmi Note 4 में स्क्रीन साइज मिलेगी 5.5 इंच की फुल HD डिस्प्ले। और अगर हम प्राइमरी कैमरे की बात करें तो वो होगा इसमें 13 MP का फुल HD कैमरा। और अगर हम बात करें फ्रंट फेसिंग कैमरे की तो वो होगा इसमें 5 MP का। और अगर हम बात करें बैटरी की तो इसमें आपको बैटरी मिलेगी 4100 mAh की फास्ट चार्जिंग बैटरी। और अगर हम इसमें प्रोसेसर की बात करें तो ये आपको मिलेगा क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 625 प्रोसेसर के साथ। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये होगा 9999 यानी कि 10,000 रुपये में। और हमारी लिस्ट में दूसरा बजट स्मार्टफोन निकल आता है Redmi Note 4। ये स्मार्टफोन की अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये आपको मिलेगा 3GB रैम वेरिएंट के साथ और जो होगी 32GB इनबिल्ट स्टोरेज के साथ। और अगर डिस्प्ले की बात करें, ये स्मार्टफोन होगा 5 इंच की HD डिस्प्ले के साथ। यहाँ फुल HD डिस्प्ले नहीं दी गई है, सिर्फ HD डिस्प्ले है। और अगर हम प्राइमरी कैमरे की बात करें तो ये आपको मिलेगा 13 MP के प्राइमरी कैमरे के साथ। और अगर हम फ्रंट फेसिंग कैमरे की बात करें तो ये स्मार्टफोन आपको मिलेगा 5 MP के फ्रंट फेसिंग कैमरे के साथ। और अगर बैटरी की बात करें तो वही है इसमें जो Xiaomi Redmi Note 4 में है, यानी कि 4100 mAh की बैटरी। और अगर प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 435 प्रोसेसर। और इसके प्राइस की बात करें तो ये होगा 8999 यानी कि लगभग 9,000 रुपये में। और अगला स्मार्टफोन निकल आता है Micromax CanMOS Infinity। इसी स्मार्टफोन को आप 32GB मॉडल में ले सकते हैं। ये आपको 3GB रैम के साथ 32GB मॉडल में देखने को मिलेगा। और साथ ही अगर स्क्रीन साइज की बात करें तो इसकी स्क्रीन साइज काफ़ी बड़ी है, यानी कि 5.7 इंच की HD डिस्प्ले। इसकी डिस्प्ले भी फुल HD नहीं है, सिर्फ HD डिस्प्ले है। और अगर प्राइमरी कैमरे की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा 13 MP का कैमरा। और अगर फ्रंट फेसिंग कैमरे की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा 16 MP का कैमरा। और अगर बैटरी की बात करें तो इसमें आपको मिलेगी 2900 mAh की बैटरी। और अगर हम इसमें बात करें प्रोसेसर की तो इसमें आपको मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 425 प्रोसेसर। और अगर प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस होगी 9,798 रुपये यानी कि 10,000 रुपये। और अगला स्मार्टफोन में रहता है YU कंपनी की तरफ से YUERK ब्लैक। ये स्मार्टफोन आपको मिलेगा 4GB रैम साथ ही साथ 32GB इनबिल्ट स्टोरेज के साथ। और अगर हम बात करें स्क्रीन साइज की तो ये आपको मिलेगा 5 इंच की फुल HD डिस्प्ले के साथ। फुल HD डिस्प्ले दी गई इसमें। और अगर हम प्राइमरी कैमरे की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा 13 MP का प्राइमरी कैमरा। और अगर हम फ्रंट फेसिंग कैमरे की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा 8 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा। बैटरी होगी 3000 mAh की और इसमें आपको प्रोसेसर दिया गया है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 430। और अगर प्राइस की बात करें तो 8999 यानी कि 9,000 रुपये। और हमारी लिस्ट में आखिरी पाँचवा बजट स्मार्टफोन कहा जाता है लेनोवा K6 पावर। ये स्मार्टफोन आपको 2 वेरिएंट में देखने को मिलेगा, एक 3GB रैम, दूसरा 4GB रैम। मगर इसकी इनबिल्ट स्टोरेज 32GB होगी, चाहे आप 3GB रैम में लो चाहे 4GB में, इनकी इसकी इनबिल्ट स्टोरेज होगी 32GB। और अगर हम स्क्रीन साइज की बात करें तो इसको में आपको फुल HD की 5 इंच डिस्प्ले मिलेगी। और अगर हम इसमें प्राइमरी कैमरे की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा 13 MP का प्राइमरी कैमरा। और अगर हम फ्रंट फेसिंग कैमरे की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा 8 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा। और अगर हम लेनोवा K6 पावर में बैटरी की बात करें तो इसमें आपको मिलेगी 4000 mAh की फास्ट चार्जिंग बैटरी। और अगर हम इसमें प्रोसेसर की बात करें तो ये होगा स्नैपड्रैगन 430 प्रोसेसर के साथ। और अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये होगा लगभग 9,999 रुपये में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बजट स्मार्टफोन का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ना करना ना भूलें। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।